सेवन मोस्ट कंपलसरी या फिर आप कह सकते हैं कि सेवन मोस्ट मैंडेटरी पोजिंग जो कि बॉडी बिल्डिंग के जितने भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं सारे के सारे जजिंग पैनल इसी पे डिपेंड करता है कि कौन सा एथलीट इन सात मैंडेटरी जो कंपलसरी पोजेज होते हैं उसे किस तरीके से हिट करता है, और उन सभी जितने भी लाइनअप होती है बॉडी बिल्डर्स की उनमें से कौन सा ऐसा एथलीट है जो सबसे बेस्ट लगता है किसी भी उन सातों पोज को परफेक्टली हिट करते वक्त। वो सातों पोज डिसाइड कर देते हैं कि कौन सा ऐसा एथलीट या बॉडी बिल्डर है जो वर्ल्ड का टॉप लेवल होगा और कौन सा ऐसा एथलीट है जिसे और ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, क्योंकि वही एक ऐसा टाइम होता है जिसमें आपकी सालों की मेहनत स्टेज पे खड़े होने के बाद आपको रिजल्ट देती है, आपको उन टॉप लेवल एथलीट्स के बराबर बनाती है। तो सबसे पहले हम इन्हीं के बारे में बात करते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि कौन से ऐसे कंपलसरी पोजेज होते हैं जो बॉडी बिल्डिंग में आते हैं। सभी अलग अलग टाइप से सोचते हैं, क्योंकि मैंडेटरी पोजिंग अलग होती है और एक पोजिंग रूटीन होता है जो एथलीट अपने तरीके से अपने फेवरेट अंदाज में किसी भी थीम म्यूजिक के ऊपर अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। दोनों में डिफरेंस होता है। जो मैंडेटरी पोजिंग है उसमें सबसे पहला पोज होता है फ्रंट डबल बाइसेप्स। फ्रंट डबल बाइसेप्स का मीनिंग और मेन फोकस इसी चीज़ पर डिपेंड करता है कि आपका जो फ्रंट लुक है, एब्डोमिनल, चेस्ट, आर्म्स, लेग्स, इन सबका प्रपोर्शन ठीक है या नहीं। इन सबके साइज़ कोई भी ऐसा तो नहीं है कि किसी भी एक पार्ट का साइज़, जैसे कुछ एथलीट होते हैं जो लेग डोमिनेंट होते हैं, जिनका लेग अच्छे तरीके से बिल्ड हो जाता है, थिक रहता है, हार्ड रहता है, लेकिन अपर बॉडी बहुत सॉफ्ट लगती है। तो फ्रंट डबल बाइसेप पोज में पता लग जाता है किसी भी जज को कि ये एथलीट कितने अभी मसल मैच्योरिटी, मसल हार्डनेस पे पहुंचा है और इसे कितनी आगे जाने की अभी और ज़रूरत है। सेकेंड पोज जो होता है वो होता है फ्रंट लैट स्प्रेड। ये किसी भी एथलीट के लिए ये पोज को हिट करना बहुत टफ होता है, क्योंकि इस पोज के अंदर आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन, या तो आप एब्डोमिनल खींचकर इसको हिट करें, या फिर दूसरा ऑप्शन जो आप एब्डोमिनल डाउन करके। पहले ऑप्शन का एडवांटेज ये होता है कि आप हमेशा लैट्स अपने जो विंग्स हैं, बैक है, उसको आप फ्रंट से ज़्यादा चौड़ा दिखा सकते हैं, लेकिन उसका डिसएडवांटेज ये है कि आपकी एब्डोमिनल उतनी क्लियर नहीं रहेगी। इसलिए जिस भी एथलीट, जिस भी बॉडी बिल्डर का जो कंडीशनिंग है सबसे शार्प होती है, वो इस पोज को बहुत आसानी से पीक हिट करने के साथ साथ जीत लेता है अपने ओवरऑल लाइनअप के बीच में। इसके बाद जो हमारी पोजिंग आती है वो आती है साइड चेस्ट। साइड चेस्ट एक ऐसा पोजिंग का एक ऐसा रूटीन में सबसे इम्पोर्टेंट, मैं तो सबसे इम्पोर्टेंट मानता हूँ, क्योंकि साइड लुक से किसी भी एथलीट का पता लग जाता है कि जो उसकी कंडीशनिंग है वो कितनी शार्प है। क्योंकि लोअर लेग्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो आईटी बैंड होता है, उस आईटी बैंड से हमें क्लियर पता लग जाता है कि कौन सा एथलीट कितना शार्प स्टेज पर है, कौन सा एथलीट कितना शार्प नहीं है, या फिर किसकी बॉडी सॉफ्ट पड़ती जा रही है स्टेज जैसे जैसे कॉम्पिटिशन आगे जा रहा है, और किसका कौन सा ऐसा बॉडी बिल्डर है जो बिल्कुल हार्ड अपनी मसल मैच्योरिटी शो करता जा रहा है कंटिन्यू स्टेज के ऊपर। साइड चेस्ट में आपका शोल्डर, आपके आर्म्स, आपकी रिस्ट, आपका जो साइड चेस्ट, जो दूसरा चेस्ट है जिसको आप पंप करते हैं, जिसे आप दिखाते हैं, उसके अंदर के फाइबर्स, ये सारी चीज़ें इस पोज में आ जाती है, जिसकी वजह से मुझे ये खुद सबसे फेवरेट पोज लगता है। इसके बाद जो आता है वो होता है हमारा बैक डबल बाइसेप। बैक डबल बाइसेप एक ऐसा इंपॉर्टेंट पोज है जिस पोज के कारण आपकी मोस्टली जो एक फेवरेटिज्म है, क्योंकि बैक डबल बाइसेप हर एक एथलीट का इतना परफेक्ट नहीं होता जितना कि फिल हीथ का हुआ करता है, या फिर रोनी कोलमैन का था, या फिर डोरियन येट्स का था। ये सारे ऐसे एथलीट हैं जिनके ये सारे पोजेस में से मोस्टली 7 में से 5 to 6 पोजेस परमानेंट इन्हीं के होते थे कि स्टेज पे अगर ये खड़े हैं, अगर ये सातों पोज हिट कर रहे हैं तो सातों में से कोई भी 6 पोज यही जीतेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है, क्योंकि जो बैक डबल बाइसेप है वो पोज हमारे लिए, बैक में इतने सारे मसल ग्रुप्स होते हैं, ट्रेपेजियस मसल से लेकर रियर डेल्ट, लैट्स, लोअर लैट्स, उसके बाद जो आपका लोअर, सबसे लोअर पार्ट होता है बैक का, जहाँ पर आपके जो क्रिसमस ट्री जो दिखता है वो पार्ट, उसके बाद ग्लूट्स, फिर उसके बाद हैमस्ट्रिंग, फिर काफ, पूरी की पूरी बॉडी जज हो जाती है एक बार में कि कौन सा एथलीट कितना ज़्यादा ग्रो कर चुका है, कितना ज़्यादा कंडीशनिंग में है, कितना हार्ड है, कितना मसल मैच्योरिटी है। उसके बाद आता है बैक लैट स्प्रेड। इसमें सबसे बड़ा जो मेन फोकस होता है वो यही होता है कि किसी भी बॉडी बिल्डर को ये देखा जा सके कि पोजिंग के टाइम जब वो मसल स्क्वीज़ कर रहा है तो हार्डनेस दिख रही है, लेकिन जब वो अपने लैट को स्प्रेड कर रहा है, जब बॉडी को रिलैक्स करके फैला रहा है, तो जितना साइज उसके पास है क्या उतनी ही कंडीशनिंग और हार्डनेस उसके पास परमानेंट रहती है, ये देखने के लिए ये पोज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है।
इसके बाद आता है साइड ट्राइसेप। साइड ट्राइसेप वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट पोजेस में से एक होता है, क्योंकि इस पोज के अंदर आपको अपना एब्डोमिनल बहुत कस के खड़ा होना होता है, क्योंकि अगर इस पोज में कोई भी 1 सेकेंड की गलती कर दे तो उसके मार्क्स बिल्कुल कट जाते हैं, जो कि फिल हीथ के साथ हुआ। फिल हीथ 8 बार चैम्पियन बन जाते अगर उनका गट इशू नहीं होता, अगर वो अपने गट को कंट्रोल कर लेते उसी पोजिंग रूटीन के बीच में, तो शायद वो फ्लेक्स रोडन या फिर शोन रोडन, आप जिस भी नाम से उन्हें जानते हैं, उनसे वो जीत जाते, 8वां टाइटल अपने नाम कर लेते। लेकिन उस पोज के अंदर वो उनसे बहुत बुरी तरह हारे, क्योंकि उनका गट सबको दिख रहा था कि कंट्रोल में नहीं है, और चाहे उनके पास कितना ही अच्छा ट्राइसेप हो, शोल्डर हो, लेग्स हो, लेकिन गट के कारण उनके नंबर्स कट गए और सेकेंड आ गए थे वो। इसके बाद आता है हमारा एब्डोमिनल एंड थाई। एब्डोमिनल एंड थाई जो पोज है, इस पोज के लिए मैक्सिमम से मैक्सिमम जो डेंसिटी है वो आपकी लेग्स में होनी चाहिए, और उसके साथ साथ आपकी कोर में होनी चाहिए। अगर आपके कोर बहुत हार्ड है, जिसमें ओब्लिक्स क्लियर दिख रहे हैं, और साथ ही साथ आपके लेग्स में सेपरेशन अच्छा है, तो ये पोज आप आराम से जीत जाएंगे। लेकिन इन सभी पोजिंग के रूटीन को अगर आप किसी भी एथलीट को देखें जो कि इसको बेस्ट तरीके से हिट करता है, उनसे अगर आप कभी भी टिप लेंगे या कोई भी एक ऐसा सॉल्यूशन मांगेंगे, तो वो हमेशा यही कहेंगे कि पोजिंग की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज़्यादा रूटीन के साथ उसे फॉलो करेंगे, उतना बेस्ट होते चले जाएंगे, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस उतना ज़्यादा बेटर होते जाते हैं किसी भी चीज़ में। और सबसे लास्ट में तो जो पोज है, इसे मैंडेटरी तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये कंपलसरी होता है, जो कि होता है मोस्ट मस्कुलर पोज। इसे हर एक एथलीट जितने भी लाइनअप में होते हैं सब अपने तरीके से हिट करते हैं, बस उनका एम होता है कि अपने मस्कुलर साइज़ को किसी भी तरीके से स्टेज पर शो करना, ताकि सबसे ज़्यादा अटेंशन वही ले पाएँ, क्योंकि जिसके पास ज़्यादा अटेंशन होगी, ज़्यादा फैंस जिसकी तरफ चीयर अप करेंगे, तो थोड़ा एडवांटेज उन्हें भी मिलता है। आई होप आपको ये 7 मैंडेटरी पोजेस के बारे में जानकर अच्छा लगा होगा। अगर आपके लिए कोई और क्वेश्चन हो जो आप पूछना चाहते हो बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, और ये ज़रूर बताना कि आपके कौन से ऐसे फेवरेट एथलीट है जिनका कोई फेवरेट पोज आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो। जैसे फिल हीथ का मोस्ट मस्कुलर पोज बहुत लोगों को बहुत पसंद है, क्योंकि उनकी पूरी की पूरी अपर जो फ्रंट लुक है वो बहुत बहुत अमेजिंग लगता है, और साथ ही साथ जो डोरियन एड्स है उनका फ्रंट लैट स्प्रेड बहुत लोगों को पसंद आता है। तो ऐसे ही बहुत सारे एथलीट है जिनके फेवरेट पोजेस आपको भी पसंद होंगे, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।